तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और बार आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे न्यूक में अपने किसी वीडियो को कैसे हम उसका रेंडर मार सकते हैं, वो भी फ्रेम में। तो हम फ्रेम में रेंडर मारना सीखेंगे कि हम कैसे किसी वीडियो को फ्रेम में बना सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई हमें फ्रेम में बनाना बताओ, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपनी MP4 जो हम कैमरा से रिकॉर्ड करके लगाए वही वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फ्रेम में डालना पड़ता है, तभी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो पर एस प्रेस करके और यहाँ पर मैंने इसका साइज़ सेट कर लिया, जो इसका मतलब व्यूअर में जो साइज बता रहा है वही मैंने आप फॉर्मेट साइज में डाल दिया है। तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। आपको एस प्रेस करना होगा अपनी वीडियो पे, जहाँ आप लेकर आए उसे ड्रैग करके। तो आप वहाँ पे एस प्रेस करिए, तो प्रोजेक्ट सेटिंग में साइज रहता है, वहाँ पे आप फॉर्मेट साइज अपना डाल दीजिए। तो आपको साइज कैसे मिलेगा, आपको व्यूअर कनेक्ट करना होगा अपने फोटो से, तभी आपको साइज ऊपर देखने को मिलेगा। तो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसे फ्रेम में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये वीडियो है। अब मैं इसको आपको फ्रेम में करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसे फ्रेम में बना सकते हैं, तब आप सिलआउट में भी और कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरी वीडियो में कैमरे से मतलब एक प्रकार से कोई भी आप कैमरे से रिकॉर्ड करके लेकर आइए और सिंपल आप इसमें न्यू पर ड्रैग करिए और साइज सेट कर दीजिए। फिर आपको लगाना होगा रीफॉर्मेट। वैसे रीफॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीफॉर्मेट का काम वही होता है कि हम इस पर दोबारा से मतलब जो हमने छेड़ाछाड़ी करी होती है, जैसे पेंट करा या फिर कोई ट्रांसफॉर्म चीज़ खिसकाई है, तो वापस ही वही साइज लिया था जो हमारी वीडियो का साइज है। तो हमने तो कुछ करा नहीं है शॉर्ट में, सिंपल हम वीडियो लाए हैं और बस हम फ्रेम में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया था कि आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक राइट का नोड लिया है, इसे आप W प्रेस करके भी ला सकते हैं। अगर आपको कोई नोड लेना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपको नोड ग्राफ में जाना होगा, वहाँ पर आप टैब प्रेस करिए और टैब प्रेस करके आप रीफॉर्मेट का और राइट का नोड सर्च करके ला सकते हैं। तो आपको बस टैब प्रेस करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे राइट का नोड है और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल। अब फाइल में हमें क्या डालना है, फाइल में हमें लोकेशन देनी होगी कि हमें इसका फ्रेम जो हम बांटने वाले हैं मतलब काटने वाले हैं फ्रेम, वो हम किधर बांटेंगे, मतलब किधर हम उसको अपना MOV फोल्डर मतलब EXR किधर डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसका इस फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने फोल्डर लोकेशन दे दी फाइल में जाके। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि मेरा शॉर्ट का नेम है वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आगे फोल्डर में आपको जाने के बाद वही आपको नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कॉपी करके भी सीधा सिंपल इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया वॉल, और ये मैं देख लेता हूँ फ्रेम कितने फ्रेम का है। तो यहाँ पे 87 फ्रेम का है, मतलब ये 2 डिजिट आ रहे हैं। अगर 99 तक भी होता तब भी 2 डिजिट आ रहे हैं, अगर आप 100 से ऊपर जाएंगे तो आपको 3 डिजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को अगर 2 ही डिजिट आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 बार हैज लगा रहा हूँ। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको 2 से कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका फ्रेम में जो रेंडर होगा वो सिर्फ 9 फ्रेम पर रुक जाएगा। तो यहाँ पे 87 फ्रेम का है हमारा वीडियो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे 2 डिजिट मतलब 2 हैज लगा देता हूँ और फिर मैं इसका रेंडर लगा सकता हूँ। तो आगे के लिखना होगा मुझे .exr। आपको क्या करना है, शॉर्ट का नाम डालना है, फिर वहाँ पे अंडरस्कोर लगाना है, फिर आपको हमारा 2-3 बार जितना आपका फ्रेम है आप उतना हैज लगा दीजिए। मैं तो बोलता हूँ आप 5 हैज लगा दीजिए तो आपका रेंडर हो जाएगा आसानी से। फिर आपको हैज लगाने के बाद .exr लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस पर सेव पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइल टाइप आ चुका है .exr। अब यहाँ पे .exr आ चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे रेंडर कर सकते हैं। तो गाइस, अब तक हमने क्या कर लिया पहले एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे उसका लोकेशन दे दिया कि हम रेंडर कहाँ मारने वाले हैं, मतलब कहाँ से हम फ्रेम में बांटने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने .exr डाल दिया। तो .exr डालने से यहाँ पे फाइल टाइप ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब .exr मतलब क्या होता है, ये फ्रेम में बांट देता है। अगर आप MOV डालेंगे तो ये वीडियो दोबारा से वीडियो ही बना देगा। अगर आपको फ्रेम को वीडियो बनानी तो आप बस MOV डाल दीजिए, लेकिन .exr में आपको बांटना है तो आप हैज लगाना मत भूलिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे रेंडर पर क्लिक करा, तीसरा क्लिक मैंने रेंडर पर करा। पहले मैंने लोकेशन डाली, फिर मैंने फाइल टाइप आपको एक बार दिखाया करके, बाकी वो खुद आ जाता है। अब मैं तीसरा रेंडर पर करा। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबल और इनपुट है, तो आप यहाँ पे इनपुट पर रखिए और इनपुट पर रख के आप रेंडर मार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फोल्डर में किस टाइप से रेंडर आ रहा है। तो मैं फोल्डर में जाता हूँ एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए, स्कैन का अपना फोल्डर हैगा, स्कैन में मैं रेंडर मार रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रेंडर हो रहा है। अब जो मेरे हैज जो मैंने लगाए थे, देखो हैज किस में कन्वर्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये फ्रेम नंबर ले लिया इसने। अगर मैं हैज नहीं लगाता तो वो वहाँ पर रुक जाता सिर्फ एक फ्रेम का रेंडर। तो हैज लगाने का आपका ये फायदा होने वाला है कि आप जितने हैज लगाएंगे उतना ज़्यादा आगे इसके 0 चलता चला जाएगा और ये जितने फ्रेम का रेंडर हो पाएगा। अगर आपका 200 फ्रेम का शॉट है तो आप 3 हैज लगा दीजिए, अगर आपका 1000 का है तो आप 4 लगाइए, मतलब जितने आपके डिजिट हैं उसमें तो आपको उतने हैज लगाने होंगे। फिर आपको अगर सिंपल .exr लिख देना है और आप रेंडर स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा रेंडर हो रहा है। तो आप इस तरीके से काफ़ी आसानी से रेंडर मार पाएंगे।
आएंगे। आपको कोई वीडियो है आप जो कैमरे से रिकॉर्ड करके आए, आप चाहते हो उस पर रोटो करें या पेंट करें, तो आपको सिंपल बस इस तरीके से आपको रेंडर मारना होगा, तो आपको वो स्कैन में बढ़ जाएगा, मतलब फ्रेम में कट कर आ जाएगा। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आप एक बार दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया नहीं तो आपको मुझे मालूम है पूरा तरीके से क्लियर हो चुका होगा, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपनी दिल की ढेर सारी बातें कमेंट में करके बता दीजिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आप जानना चाहते हैं न्यू या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और आपका कमेंट भी शो करूंगा इस वीडियो में कि ये वीडियो आपने बनवाई थी और आपके साथ साथ और लोग भी सीख पाएंगे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर और गाइस जय हिंद।